वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिनेमा घर ओनर्स वर्सेस द प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में। वेल फ्रेंड्स, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं 1 नवंबर का, वो दिन जहां पर स्वप्न नगरी मुंबई एंड पूरा का पूरा जो मुंबई सर्किट है वो ओपन हुए एंड गाइस थिएटर्स वापस से फुल फोर्स में अपनी जो फंक्शनिंग है उसको रिज्यूम करे। वेल फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है थिएटर्स मुंबई में शुरू भी हो जाए 1 तारीख से तो सिर्फ और सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी में ही शुरू होंगे। इसी कारण है बड़ी से बड़ी फिल्में डिले हो रही है एंड उनमें सूर्यवंशी का नाम आता है, 83 का नाम आता है, राधे ऑब्वियसली अब ईद तक चली गई क्योंकि मैंने आपको पहले फंडा समझाया कि 50% ऑक्यूपेंसी में जो फिल्में 300 करोड़ या 250 करोड़ कमा सकती थी वो अनफॉर्चुनेटली 125 या 130 करोड़ कमा कर फ्लॉप डिक्लेयर हो जाएगी। इसी कारण है मेकर्स आर वॉन्टिंग टू वेट, वो चाहते हैं कि हम वेट करें कि थिएटर्स फुल फंक्शनिंग में कब शुरू हो, फुल कैपेसिटी में, तब जाके हमारी फिल्में रिलीज करें। लेकिन गाइस, यहां पर जो झगड़ा है, जो प्रोड्यूसर्स अब और आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये कोरोना के बाद जो समय आया है वहां पर जो पहले के रूल्स थे उसको थिएटर ओनर्स चेंज कर दे एंड नए रूल्स वो लेकर जा रहे हैं। ये रूल बाजी की वजह से ही बड़ी फिल्म जैसे कूली नंबर 1 जो थी, क्योंकि थिएटर में रिलीज होने वाली थी लेकिन वाशु बगनानी या जितने भी लोग हैं ये लोग एक बड़ा रूल का बुक लेकर गए थे उनके पास कि ये माफ कर दो, वो कम कर दो, सब शो हमको दे दो, जो कि एग्जिबिटर्स ने नहीं मानी थी। इसी कारण है कूली नंबर 1 वालों ने बोला नहीं रिलीज कर रहे हो, मत करो, हम लोग OTT पर चले गए। वेल फ्रेंड्स, थिएटर वाले यहाँ पर जरा भी मूड में नहीं है एंड गाइस ये प्रोड्यूसर को समझना होगा कि यहाँ पर 7-8 महीने से उन लोगों ने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। अभी भी अगर आप उनके पास रूल्स लेकर जाओगे तो वो कब कमाएंगे। थिएटर ओनर्स अपनी जगह पर एकदम सही है, उन्होंने जरा भी झुकने की नहीं ठानी है। उन्होंने कहा है कि बॉस पहले जो रूल था वही रहेगा, ये हालात जिंदगी भर तो रहने नहीं वाले, हम नहीं झुकेंगे। तो अब गाइस ये जंग शुरू हो गई है एंड अब गाइस कुछ नए सेट्स ऑफ रूल है जो आने वाले समय में 83 एंड सूर्यवंशी के जो मेकर्स है वो शायद लेकर जा सके इनके पास। शिवाजी सरकार जो कि रिलायंस के CEO है उनकी तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। लेकिन गाइस, जो क्या रूल्स हैं मैं आपको बिफोर हैंड बता रहा हूं क्योंकि आने वाले कई समय में आप ये रूल्स सुनने वाले हो जो कि अभी इन लोगों ने वहां पे आगे रखे हैं। फ्रेंड्स, VPF एपिसोड थोड़ा रॉ होगा, जितने फिल्मी प्रेमी उनके लिए है। ओके, VPF यानी कि वर्चुअल प्रिंट फी, ये गाइस यूजुअली 20,000 रुपए रहता है पर स्क्रीन। पर स्क्रीन बोला है, मल्टीप्लेक्स होगा तो पर स्क्रीन विच इज चार्ज बाय मल्टीप्लेक्स टू द प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो उनका प्रोजेक्शन सिस्टम है उसको इनहेंस करके ऑडियंस को एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए जो थिएटर वाले हैं वो प्रोड्यूसर से ये जो पैसा है वो वसूलते हैं। बहुत जो प्रोड्यूसर जो कहते हैं कि VPF अभी जरूरी नहीं है क्योंकि थिएटर अपने जो कॉस्ट है वो रिकवर कर लेता है। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि VPF सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लेक्स ओनर्स जो है वो हिंदी फिल्मों के लिए चार्ज करते हैं, जो हॉलीवुड फिल्म आती है उनके लिए चार्ज नहीं करते हैं। अब बहुत समय हो गया है हम पहले से डिमांड कर रहे हैं कि VPF को एग्जेम्प्ट कर दो एंड अब हम चाहते हैं कि VPF एग्जेम्प्ट हो जाए। अब गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 83 एंड सूर्यवंशी रिलीज होगी तो जो मेजोरिटी ऑफ द स्क्रीन रहेंगे एंड जो थिएटर्स है वो 50% पे ही चलने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी स्क्रीन हो आपके पास, यानी कि 10 में से अगर 9 स्क्रीन आप हमें दो तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। एट प्रेजेंट 50% ऑक्यूपेंसी ही रहेगी क्योंकि दिसंबर में ये लोग प्लान कर रहे हैं 83 रिलीज करने के लिए, तब तक आई डोंट सी 50 का 60% होते हुए। इसीलिए बहुत ही एक्सपेंसिव फिल्म है 83, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको वापस आना है। इसलिए 50% ऑक्यूपेंसी में भी आप हमें सबके सब शोज जो है वो प्रॉमिस कीजिए क्योंकि हमारी फिल्म बहुत ही महंगी है। वेल फ्रेंड्स, ये हो गया दो। तीसरा, ये जो डिमांड है गाइस, पहले आपको पता होगा जब फिल्म थिएटर में आती थी उसके ऑलमोस्ट 6 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद हमें TV पर देखने मिलती थी, अब ये 2 महीने में आ जाती है एंड OTT पे ऑलमोस्ट 5 या 6 हफ्ते के बाद आ जाती है। बड़ी बड़ी फिल्में आजकल 4 हफ्ते में भी आ रही है। एंड गाइस, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं जो आपका रूल था कि थिएटर से OTT पर 8 हफ्तों के बाद, मैं सिर्फ हिंदी फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूँ, 8 हफ्ते के बाद आप OTT पे ले जा सकते हो। इससे पहले भी बहुत सारी फिल्मों ने ट्राई किया है ये सब करने के लिए, इवेंचुअली बातचीत नहीं हुई या तो फिर वो मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्क्रीन में रिलीज हुई है। इसलिए गाइस, अब वो कह रहे हैं कि जो 60 डे का रूल है आपका, यानी कि जो 2 महीने का रूल है कि 2 महीने से पहले जो फिल्म थिएटर में रिलीज होती है वो सिनेमाघरों में नहीं लगेगी, उसको चेंज करके 4 हफ्ता कर दो। यानी कि समझो 83 आज थिएटर में निकली, 1 महीने के बाद उसको आप रिलीज कर दो जाकर OTT पर, ये रूल हमको चाहिए। गाइस, अब ये भी नाइंसाफी है,
बड़ी फिल्में 4 हफ्ता भी नहीं चलेगी 50% ऑक्यूपेंसी में, तो कैसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर सोच रहे दोनों जगह मलाई खाऊं मैं बैठ के, थिएटर में मलाई खा लूं और यहाँ पे OTT में मलाई खा लूं। लेकिन थिएटर वालों के लिए समस्या बढ़ते जा रही है, वो पैसे जो वो 2 हफ्ते में कमाने वाला था अब उसको 4 हफ्ते भी लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है गाइस। एंड गाइस लास्टली बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर दे वॉन्ट NOC फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स। अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया मेरा भाई, NOC चाहिए प्रोड्यूसर लोग को मल्टीप्लेक्सिस से, कि समझो अगर पहले 2 हफ्ते हमने 83 लगाई थिएटर में, क्रिसमस में लगाते हैं, ऑडियंस नहीं देखने आती है फिल्म, यानी कि ये भी गारंटी चाहिए कि तुम्हारी पिक्चर अच्छी हो या खराब हो, ऑडियंस नहीं आने के भी तुमको NOC चाहिए थिएटर वालों से कि ऑडियंस नहीं आती कोई भी कारणवश, तो हम जो है अपनी फिल्म उसको 2 हफ्ते में ही OTT पर रिलीज कर देंगे, और पेपर व्यू जो स्कीम आया था खाली पीली का 299 रुपये, वैसे कुछ करके हम रिलीज कर देंगे। तो गाइस कैन यू इमेजिन, यहाँ प्रोड्यूसर से भी जरा भी मदद नहीं आ रही है थिएटर वालों के लिए, ऐसे ऐसे अतरंगी रूल बना कर आ रहे हैं, पता है ऑडियंस नहीं आएगी, मत करो रिलीज, डायरेक्ट OTT पर चले जाओ। इसीलिए क्वीन नंबर वन के जो मेकर्स थे उन्होंने बोला भाई चलो रुक के मतलब नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ऑडियंस आएगी कि नहीं आएगी, सीधा OTT पर रिलीज करो, इसलिए क्वीन नंबर वन अब डायरेक्ट OTT पर जा रही है। एंड ये रूल्स गाइज अब 83 और सूर्यवंशी के लिए है, लेकिन गाइज यहाँ पर अब जब कॉन्टैक्ट किया गया शिवशी सरकार को, जो CEO है गाइज रिलायंस के, प्रोड्यूसर भी 83 सूर्यवंशी के लिए, उन्होंने कहा है अभी तक हम लोग ने बातचीत शुरू नहीं की है, ओके हम लोग फाइनलाइज करेंगे रिलीज प्लान्स, उसके बाद जब कंफर्म हो गया तब हम अप्रोच करेंगे। यानी कि मैं पहले से बता रहा हूँ तुम लोग को, कितने एग्जीबिटर्स मल्टीप्लेक्स वाले एपिसोड देख रहे होंगे, तो आप लोग के पास ऐसी डिमांड्स आने वाली है, आप लोग तैयार रहिए, 83 एंड सूर्यवंशी के मेकर्स ही आने वाले हैं आपके पास पहले डिमांड्स लेकर, शायद यशराज भी जाए ऐसी डिमांड्स लेकर, आई डोंट थिंक यशराज विल डू लाइक दिस, क्योंकि उनका काफी अच्छा नेचर है उनके साथ, रिलायंस का भी अच्छा नेचर रहा है, अभी तक गए नहीं उन लोग, लेकिन बाकी के प्रोड्यूसर्स आ सकते हैं आपके पास ये लेकर। एंड यहाँ पे जो कार्निवल सिनेमास के MD है मिस्टर PV सुनील, उन्होंने कहा है मेरे अनुसार जहां तक मेरी नॉलेज है प्रोड्यूसर लोग अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ लेकर नहीं आए हैं, ओके देयर हैज बीन नो सच डिमांड, एंड मुझे उम्मीद करता हूं कि ऐसी डिमांड वो लेकर हमारे पास नहीं आए। ओके गाइस ये अभी आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है ये डिमांड को लेकर एंड ये सब लेकर, तो लेट्स सी गाइस क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस मल्टीप्लेक्सिस जो है जो डिमांड सुन रहे हैं उन लोग कोई मूड में नहीं अग्री करने के, बहुत लोग अपने से पहले भी शाने लोग हैं वहां पर, उनको पता है ऐसी डिमांड्स लेकर आएंगे। एंड गाइस यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है वो फील कर रहे हैं कि हम लोग इतना महीना रुके इन फिल्मों को 83 और सूर्यवंशी को थिएटर में लगाने के लिए, डायरेक्ट हम डिजिटल जा सकते थे लेकिन हमको लगा नहीं क्यों डिजिटल जाए, मल्टीप्लेक्सिस में रिलीज करेंगे, लेकिन मल्टीप्लेक्स वाले बोल रहे हमको इतना नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, 1 रुपया नहीं कमाया, तो ये दोनों जगह से अभी खींचातानी चल रही है, एंड रिजल्ट क्या होता है तो पता नहीं, लेकिन जो भी ऑडियंस के हित में है वैसा डिसीजन आओ, मिडिल ग्राउंड पर आओ एंड थिएटर में रिलीज करो फिल्म, थिएटर्स खुल गए हैं अभी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भले थोड़ा नुकसान होके करो लेकिन करो रिलीज। एंड जो मल्टीप्लेक्स वाले भी है थोड़ा छूट दो इनको, यानी कि 8 वीक का अगर विंडो है आपका तो उसको 6 हफ्ता कर दो, ठीक है, एंड ये रूल के 2 हफ्ते में नहीं चली तो पिक्चर OTT पर चले जाएंगे, ऐसा तो बच्चे ऐसी हरकत मत करो, रुको एक महीना एटलीस्ट थिएटर में रखो उसके बाद कोई डिसीजन लो। क्या कहना है आपका गाइस पता है कमेंट सेक्शन में, 1 तारीख से थिएटर्स खुल रहे हैं फुल फ्लैश मेरा भाई आमची मुंबई यानी महाराष्ट्र, लेट्स सी गाइस उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्में इसमें आपको कहा है सब रिलीज होने वाली है, सूरज पे मंगल भारी, हिंदू की जवानी, टेनेट दिवाली पे आने वाली है, लेट्स सी गाइस क्या होता है तो वक्त ही बताएगा, एपिसोड पसंद आए तो बता सकते हो, एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।